नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आज मुंबई में जिस तरह का बिजली संकट देखने को मिला उसे लेकर अब हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ने यह बैठक बुलाई है जिसमें ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के अलावा बिजली विभाग के आला अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि मुंबई के अधिकतर हिस्सों में बिजली सेवा अब बहाल हो गई है, लेकिन आज जिस तरीके से मुंबई में बिजली संकट हुआ उसे लेकर अब एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुलाई है, इसमें ऊर्जा मंत्री नितिन राउत हैं, इसके अलावा बिजली विभाग के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि मुंबई के ज्यादातर हिस्सों में बिजली सेवा बहाल कर दी गई है। सबसे पहले अंकुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। अंकुर, जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में बताइए, कौन कौन इसमें शामिल है और यह संकट पैदा कैसे हुआ इसे लेकर चर्चा इसमें हो रही है। देखिए, जो मीटिंग की बात कर रहे हैं आप, उसमें खुद उद्धव ठाकरे हैं जो राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री इसमें आते हैं। इसके अलावा नितिन राउत राज्य के बिजली मंत्री हैं। इसके अलावा एमएससी टीसीएल के जो कई सारे अधिकारी इसके अंदर मौजूद हैं, टाटा के भी जुड़े हुए एक दो अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है पूरा पक्ष जानने के लिए कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे था। और अभी जो एक टाटा पावर की तरफ से अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो ये बताता है कि सुबह 10 बजे के आसपास एमएससी टीसीएल का 400 जो मेगावाट का एक पूरा सिस्टम है, पावर स्टेशन है जो कलवा में मौजूद है, वो सबसे पहले ट्रिप हुआ था। और इसके बाद बकायदा कड़ी बनती चली गई कि किस तरीके से फिर खारघर से जुड़ा हुआ जो कलवा का जो लाइन था वो ट्रिप्ड होता है, खालवा पढ़गे नाम का जो एक सब स्टेशन है वो भी ट्रिप्ड हो जाता है, और लाइन से ये जो चीज़ थी वो ट्रिप्ड होनी शुरू होती है और ओवरलोड होता चला जाता है दूसरे सब स्टेशन पे, और वो जो इस लोडिंग की वजह से जो ओवरलोडिंग हो गई थी पावर की उसकी वजह से ट्रिप्ड होते चले गए और बिजली की जो कटौती है उसका अभूतपूर्व सामना मुंबई पूरे शहर को करने पड़ा। ये मीटिंग हो रही है, पक्ष जाना जा रहा है, अंकुर भी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख भी करेंगे। लेकिन देश की आर्थिक राजधानी की रफ्तार आज करीब 3 घंटे के लिए थम गई। सुबह करीब 10:15 बजे मुंबई की बिजली गुल हो गई, जिससे लोकल ट्रेन समेत तमाम इमरजेंसी सेवाएं बंद हो गई। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से बत्ती गुल और टेंशन फुल। अब जानते हैं कोरोना को लेकर इस वक्त ज्यादातर ऑफिसेज का भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग्स होती हैं। ऐसे में अगर लाइट ना हो, पावर ना हो, तो कितनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, ये आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। लगातार सवेरे भी हमने आप तक तमाम खबरें और तस्वीरें भी पहुंचाई। बिजली गुल हुई तो थम गई मुंबई। दौड़ते भागते शहर की रफ्तार पर लगा ब्रेक। बिजली की स्पीड से दौड़ने वाली मुंबई आज अचानक बिजली जाने से थम गई। लोकल ट्रेन और ट्रैफिक ही नहीं बल्कि शहर की अदालतों से लेकर कॉलेज की परीक्षाओं तक सब कुछ थम गया। सुबह 10:15 पर अचानक खबर आई कि वेस्टर्न पावर ग्रिड फेल हो जाने से मुंबई में बिजली गुल हो गई। मुंबई में वेस्टर्न पावर ग्रिड फेल हुआ है, जिसकी वजह से ये संकट गहरा गया है। कई इलाकों के घरों में बिजली पूरी तरह से गुल है। 1 घंटे में हो सकता है पावर ग्रिड फेल, ये फिलहाल शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है कि 1 घंटा भी इसमें लग सकता है पावर ग्रिड ठीक होने में। लेकिन ये संकट बहुत बड़ा, क्योंकि कई इलाकों में, मुंबई के कई इलाकों में पूरी तरीके से इस वक्त बिजली जो है वो नहीं आ रही है। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना मुंबई में इस वक्त करना पड़ रहा है। और लोग, पहले खबर आई थी कि कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि पावर ग्रिड के फेलियर से पूरे शहर की नहीं बल्कि पूरे रीजन की बिजली गुल हो गई है। लोकल ट्रेन, घरों का काम, ऑफिस का वर्क या फिर वर्क फ्रॉम होम, सब कुछ रुक गया। जो जहां था वही फंस गया। मुंबई के चर्च गेट, बोरीवली, कांदीवली और पनवेल में लोग बिजली जाने से परेशान होते रहे। ठाणे में बिजली न होने से पानी तक की सप्लाई बंद हो गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ट्विटर पर बिजली जाने को लेकर ट्वीट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर हैशटैग पावर कट ट्रेंड करने लगा। अनुपम खेर से लेकर कंगना रनौत तक हर किसी ने बिजली जाने को लेकर पोस्ट किए। बिग बी अमिताभ बच्चन ने भी लिखा कि पूरे शहर की बिजली गुल हो गई है, ऐसे में कोई भी घबराए नहीं, जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। थोड़ी देर बाद जानकारी मिली
कि 400 केवी के पुणे कलवा लाइन में खराबी आई है और इसी की वजह से एमआईडीसी पालघर दहानु इलाके में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हुई है। और ऐसे में लोगों की उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार से थी कि वो कुछ तो एक्शन ले। देखिए, महापारेषण का जो 400 केवी कड़वा पड़गे जीआईएस सेंटर है, उस सेंटर के अंदर का जो सर्किट है उसके रख रखाव का काम चालू था। दो लाइन हमारी वहां पर है, तो एक लाइन से दूसरी लाइन पे हमने उसको शिफ्टिंग किया था। उस पर अचानक तांत्रिक उसमें तकलीफ आ गई, जिसकी वजह से मुंबई और ठाणे परिसर प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी ऊर्जा मंत्री नितिन राउत और बीएमसी कमिश्नर से ग्रिड फेल होने पर बात की। इधर अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने ट्वीट किया, हमारी टीम प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द बिजली बहाल करने के लिए काम कर रही है, असुविधा के लिए खेद है। वहीं बिजली ठप होने पर बीएमसी ने इमरजेंसी नंबर जारी किए ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत आने पर वो बीएमसी से संपर्क कर सके। लेकिन इस सब के बाद पूरे 2 घंटे से ज्यादा के इंतजार करने के बाद आखिर सारी सेवाएं बहाल हो गई और मुंबई ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली। बिजली आते ही मुंबई अब फिर से बिजली की रफ्तार से दौड़ लगा रही है। मुंबई से अंकुर त्यागी और राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई से राजीव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त स्थिति क्या है ये समझने के लिए। राजीव, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पनवेल, जहां जहां इसका असर था, क्या वहां पर अब बिजली पहले की तरह बहाल हो गई है और जो समस्या आई थी क्या उसे सुलझा लिया गया है? देखिए, जिस तरीके से मुंबई के कई हिस्सों में, खास करके पनवेल और ठाणे के कई हिस्सों, साथ साथ नवी मुंबई में पूरी तरह से बत्ती गुल थी, लेकिन लगभग 3 घंटे के प्रयास के बाद, हालांकि अभी कई हिस्सों में बिजली जरूर सुचारू रूप से चल रही है, जो आवश्यक सेवाएं थे वो पूरी तरह से चल रही है। हालात ये थे कि मुंबई के जो ट्रैफिक सिग्नल थे वो भी काम करना बंद कर दिए थे जिस तरीके से, लेकिन पूरी तरह से कवायदे की गई, अलग अलग सब स्टेशनों के अल्टरनेट तरीके से, यानी अभी कुछ वैकल्पिक तरीके से उन्हें चालू किया गया है। हालांकि जो ये कहा गया है अडानी की तरफ से, स्पष्ट कहा गया कि 6 बजे के बाद ये सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुचारू हो जाएंगी। हालांकि मुंबई के कई हिस्से, मुंबई, ठाणे और नई मुंबई के कई हिस्सों में चीज़ें अभी रफ्तार से चल रही हैं, सुचारू हो चुकी हैं, लेकिन कुछ हिस्सों में अभी भी बाकी है, क्योंकि जो सब स्टेशन से जो कनेक्टिविटी थी, उस कनेक्टिविटी को देखते हुए जिस तरीके से जो ग्रिड फेल होने के बाद ये सामने आया था, उसके बाद सब स्टेशन से जो कनेक्टिविटी है वो की जा रही है। यानी अभी जो ओवरलोड के, जैसे एक सब स्टेशन पे, जो एक ग्रिड पे ओवरलोडिंग था, उसको बांटा जा रहा है। यानी कि जैसे शुरुआती दौर में ही था कि जैसे ग्रिड नंबर 2 फेल होने के बाद ग्रिड नंबर 1 की तरफ से सारे काम किए जा रहे थे, और उस पर ओवरलोड होने के बजाय स्थितियों में एक एक करके ट्रिप होते गया। अब स्थिति यह थी कि कुछ जो चेकिंग के हिसाब से, जो जहाँ ज़रूरत जिस तरीके से, वहाँ पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। दक्षिण मुंबई, मुंबई के उपनगरीय इलाकों के कई हिस्सों में पूरी तरह से बिजली चालू है। ठाणे के कई हिस्सों में बिजली पूरी तरह से चालू है। नवी मुंबई के कई हिस्सों में पूरी तरह से बिजली चालू है। यानी अब स्थितियां ये कही जा रही हैं कि 2-1 घंटों में ये स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। हालांकि लोगों को घबराने की हिदायत नहीं दी गई, लोगों को साफ साफ आगाह किया गया है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है, आप ऐसी कुछ घबराहट ना करें, यानी ऐसी स्थितियां ना पैदा करें जिससे आपको डर और भय का माहौल पैदा हो। चलिए राजीव, हमारे साथ बने रहिएगा, सर आपको दिखाते हैं मुंबई में बिजली संकट की क्रोनोलॉजी, आपको समझाते हैं। सुबह 10:15 बजे 10:15 पर बिजली जाती है, इसके बाद लोकल ट्रेन सेवा जो है वो ठप हो जाती है, यहाँ तक कि ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाते हैं, पेट्रोल पंप उसके बाद प्रभावित होते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी की एक ऑनलाइन परीक्षा थी उसे रद्द करना पड़ता है, हाई कोर्ट में इसके वजह से सुनवाई रुक जाती है क्योंकि आजकल अदालतों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है, बिजली की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने इसके बाद ऊर्जा मंत्री से बात की और फिर जल्द बिजली बहाली का दावा किया गया। सुबह 10:15 बजे से लेकर के लगातार आगे घटनाक्रम कैसे रहा ये आप समझ रहे हैं। बिजली संकट से थमी मुंबई की रफ्तार पर किस तरह से ब्रेक लगी, फिलहाल ईस्टर्न लाइन, वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल मेन लाइन बहाल हो गई है, लेकिन बिजली गुल होने पर वेस्टर्न लाइन बंद हुई और लोग कांदीवली, बोरीवली जैसे स्टेशन पर अटके रह गए। सेंट्रल लाइन बंद हुई तो चर्च गेट और कल्याण जैसे स्टेशन पर लोग फंस गए। ईस्टर्न लाइन पर भी असर हुआ जिसकी वजह से मुंबई की लाइफलाइन खासी प्रभावित हुई। मुंबई शहर को उसकी रफ्तार के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि मुंबई कभी रुकती नहीं, वो अपनी स्पीड में दौड़ लगाती रहती है, लेकिन मुंबई की गति पर आज बिजली ने ब्रेक लगा दिया।
तेज रफ्तार से दौड़ने वाली मुंबई अचानक थम गई। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन जहां की तहां खड़ी हो गई और हजारों लोग उसमें फंसे रहे। आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीर गोवेगांव और मलाड स्टेशन के बीच में है और यहाँ पर पिछले 2 घंटे से कुछ यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या तकलीफों का सामना कर रहे हैं, क्या किन शब्दों में बयान करेंगे आप अपनी तकलीफ को? क्या हम लोग बोले तब फंसे, देखो 2 घंटा तो हो गया सर इधर ट्रेन में। क्या कुछ अनाउंसमेंट हुआ, कुछ पता चला कब शुरू? अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे भाई साहब जी? कब से फंसे हुए आप लोग? 2 घंटे। हाँ, 2 घंटे। कहाँ जाना था, अभी कैसे जाएंगे आगे? हमको जाना था भाईंदर। और अभी भाईंदर तो काफी दूर है, कैसे जाएंगे? क्या करें फिर, अगर और टाइम लगेगा तो पीछे घर जाना पड़ेगा, आज का दिन वेस्ट हो गया। लोकल ट्रेन ही नहीं, लंबी दूरी की ट्रेनें भी फंस गई। यूपी, बिहार, गुजरात, पंजाब और राजस्थान जाने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।